वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, मैक्रोनी बनाने की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है मैक्रोनी, और आज आपको एक अनोखे तरीके से मैक्रोनी बनाना बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए मैं आज अपने स्टाइल में बनाना बताऊंगी आपको मैक्रोनी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक कप मैक्रोनी ली है, इसको सबसे पहले बॉइल कर लेना है आपको। इधर फ्रेंड्स, मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसमें मैंने ले ली है एक भगोनी स्टील की बड़ी सी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें 2 कप पानी का यूज करूंगी। सो फ्रेंड्स, पानी में एक अच्छा सा बॉईल आ जाने देना है आपको। गैस की फ्लेम को हाई पे कर देना है इसमें, ताकि जल्दी से बॉईल आ जाए एक अच्छा सा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें पानी में बबल्स आने लग गए हैं। अब मैं इसमें क्या करूंगी, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दूंगी। ऐसा सेम प्रोसेस आपको भी करना है। 1 टेबल स्पून ऑयल, बस नमक को और ऑयल को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें जो 1 कप हमने मैक्रोनी लिए वो ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, आपको मैक्रोनी को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है 99%। और हाँ फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको एक बात और बता देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर प्रेस जरूर से कर लीजिए, इससे आने वाली मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए मेरी रेसिपीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। आप सब्सक्राइब करते हैं तो फ्रेंड्स हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आगे जाएँ, और हमें सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसको ओनली कुक होने में 15 मिनट लगेंगी, ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो जाती है। सो फ्रेंड्स, हमारी मैक्रोनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट हुई है ये। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल जैसी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही हुई है ये, और बिल्कुल भी फ्रेंड्स इसमें ऑयल नहीं है बिल्कुल। मैंने इसको अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, एकदम खिली खिली बनी है ये मैक्रोनी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जो कि आपको मैं बता देती हूँ। कुछ बेसिक सी चीज़ें ली हैं फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं। थोड़ी सी मैंने कैप्सिकम ली है और 4 हरी मिर्ची ली है, इसको ऐसे बारीक कट कर लिया है। और कैप्सिकम को आपको ऐसे लंबा लंबे साइज में कट करना है। और ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटो लिया था, बिल्कुल उसको ऐसे कट कर लिया है क्यूब्स में। और ये मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी फ्रेंड्स। प्याज की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही लीजिए तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा लगता है प्याज का फ्लेवर मैक्रोनी में। तो मैंने इसको ऐसे लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया है। और ये 1/2 हैंडफुल हरा धनिया लिया है मैंने, हरा धनिया भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं मैक्रोनी। इधर फ्रेंड्स, मैंने एक पैन ले लिया है और गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लूँगी। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दूंगी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इसमें वेजिटेबल्स चली जाएंगी। मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर देती हूँ पहले, हरी मिर्ची, टमाटो, प्याज, और ये सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें। और फ्रेंड्स, आपने मेरी मैक्रोनी की रेसिपी अगर नहीं दी, मैंने ऐसी ही मैक्रोनी की रेसिपी अपने चैनल पे दी है फ्रेंड्स, आप चेकआउट कीजिए मेरे चैनल पे जान के, वो भी बहुत टेस्टी तरीके से बनी थी। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए उस मैक्रोनी को भी, ऑयल वाली मैक्रोनी को भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा बिल्कुल नरम नहीं करना है, हल्का सा क्रिस्पीपन रहने देना है इनमें वेजिटेबल्स में, तो अच्छी लगती हैं खाने में। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम टू लो पे रखकर इसको पकाना है वेजिटेबल्स को। बस फ्रेंड्स, हल्का सा ही पका लिया है मैंने। अब मैं इसमें स्पाइसेस मसाले ऐड कर दूंगी, 1 टेबल स्पून मैगी मसाला, 1 टेबल स्पून चाउमीन का मसाला। चाउमीन का मसाला बहुत ज़रूरी है इसमें फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सभी मसालों को और सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दूंगी, थोड़ी मैक्रोनी अच्छी लगेगी, क्रिस्पी सी और बिल्कुल सॉफ्ट सी और जूसी सी। ज़रूर से आप इसमें पानी ऐड कीजिए और मसाले बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, और इसको अच्छे से पकाना है हमें। मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दूंगी। आप लेमन जूस की जगह आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो,
अच्छे से लेमन जूस को ही मिक्स कर लेंगे वेजीज के साथ में। अब इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। तो सारी मैक्रोनी ऐड कर दिए मैंने इसमें, तो अच्छे से कोट कर लेंगे मसालों के साथ में। फ्रेंड्स लग रही है ना मैक्रोनी यम्मी, और ये खाने में इतनी टेस्टी है यकीन मानिए, आप जरूर से बनाइए। और कैसी बनी आपकी आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। खाने में ये बहुत मज़े की लगती है, ज़रूर से बनाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर से बनाइएगा आप जो वाली मैक्रोनी, बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। टेस्ट में इतना अच्छा टेस्ट होता है इसका, ऐसे मसाले स्पाइसेस आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। बस 5 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मैक्रोनी में मसालों का। सो फ्रेंड्स मैंने ये मैक्रोनी अच्छे से बन चुकी है, तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। बस इसमें हरा धनिया ऐड करके इसको डिशर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म सर्व कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। सो फ्रेंड्स फाइनली आप इसका लुक देख सकते हो, मैक्रोनी बहुत ही यम्मी लग रही है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके मुंह में पानी आ रहा है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी आज की। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए एंड मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल बटन जरूर कर दीजिए। इसी के ऊपर फ्रेंड्स आपको मेरे आने वाली रेसिपी